कभी आपने देखा हो लाश नहीं देखी? कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। ऐसे भी अपन इमोशनल होकर नहीं पढ़ते फिजिक्स को, है ना? तो बात को समझना। देखो, मान लो अगर आपने किसी को मार के नदी में डालना हो, किसी को मार के नदी में डालना हो, तो ध्यान रखना उसके हाथ पैर पत्थर से बांध के डालना। पता है क्यों? क्योंकि वो जैसी पानी में जाएगा उसके फेफड़े फूलेंगे। कुछ सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर ऐसे, आइसोटोनिक हाइपरटोनिक, भगवान जाने वो बायो की बातें, लेकिन वो पानी बाहर छोड़ देंगे और एयर ऑक्यूपाई हो जाएगी, वैक्यूम बन जाएगा, अंदर एयर आ जाएगी, ठीक है ना? जिसकी वजह से बॉडी वापस ऊपर आ जाएगी, बायंसी लग करके, बाइंड फोर्स बढ़ जाती है सरफेस एरिया बढ़ने से, हमारा फेफड़े फूल जाते हैं। तो जब कभी भी लाश आपने नदी में डालनी हो तो हमेशा पत्थरों से बांध के डालना, नहीं तो ऊपर आ जाएगी, वो पत्थर तो नीचे डूब जाएगा, तो लाश वहीं वहीं बंदी बंदी ही रह जाएगी, नहीं तो फिर सबूत ऊपर आ जाएगा और परसों पकड़े जाओगे तुम, है ना? एक दिन तक तो तफ्तीश चलेगी पूरी के लाश किसकी थी, कौन था, क्या था, फिर पता चल जाएगा ये लाश तो प्रियांशी ने डाली है, ये तो कार्तिक अग्रवाल ने डाली है, ये तो पता चल जाएगा किसने मर्डर किया था, समझ गए ना? तो इसलिए बचना हो अगर कभी तो पत्थर बांध के लाश को डालना पानी में, नहीं तो फिर वो ऊपर आ जाएगी बायंसी लग करके, राइज कर जाएगी वो, बायंसी ज्यादा वेट कम, ठीक है ना? ओके, ध्यान रखना बेटा, कभी भी खून करो तो नदी में डालो, पत्थर बांध के डालना, ऐसे ही नहीं डालना, ठीक है? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है ना?